नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राम रहीम सीरीज की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, तिरंगे की कसम। समुद्र में खड़ा वह विशाल किंतु वीरान पहाड़ भारत की ही समुद्री सीमा में आता था, लेकिन उसका कोई उपयोग न जानकर भारत सरकार उसकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं देती थी। अतः वर्षों से वह पहाड़ अपेक्षित सा था, लेकिन भारत को इस बात का सपने में भी गुमान नहीं था कि उसी वीरान व अनुपयोगी पहाड़ पर उसके पड़ोसी देश चीन की वर्षों से नज़र लगी हुई थी और वह भारत की सैनिक एवं वैज्ञानिक गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए कुछ ही वर्ष पूर्व आधुनिक एवं वैज्ञानिक उपकरणों से पूर्ण एक भयानक स्टेशन वहाँ कायम कर चुका था, जिसका गुप्त नाम उसने स्टेशन जेब्रा रख छोड़ा था। उस स्टेशन का संचालन चीनी सीक्रेट सर्विस का खूंखार एवं मक्कार चीफ कामरेड तुंग कर रहा था। उसने अपने सैनिक से कहा, क्या रिपोर्ट है? सैनिक बोला, चीफ, पैकिंग से अभी अभी कंट्रोल रूम में खबर आई है कि फील्ड मार्शल जनरल चांगली किसी आवश्यक कार्य से तुरंत आपसे मिलना चाहते हैं। कामरेड तुंग ने सोचा, ओह, क्या काम हो सकता है उन्हें? उसने सैनिक से कहा, सुनो, मैसेज भिजवा दो, कल रात 11 बजे वे मिलने आ सकते हैं, लेकिन भारतीय जल और वायु सेना की नज़र से बचकर हम उनका इंतज़ार करेंगे। और हाँ, सुरक्षा गार्डों और कंट्रोल रूम को इस संबंध में सूचित करना ना भूलना। जैसे ही जनरल चांगली की ओर से 3 बार गुप्त सिग्नल मिले, भीतर आने का शटर हटा देना। सैनिक ने कहा, ऐसा ही होगा श्रीमान, आप निश्चित रहें। और अगले दिन रात के ठीक 11 बजे पायलट ने कहा, सर, इस समय हम स्टेशन जेब्रा के ठीक ऊपर हैं। वह चीन का ही सैनिक हेलीकॉप्टर था जो जनरल चांगली को लेकर आया था। जनरल चांगली ने कहा, 3 बार हरी बत्ती का सिग्नल दो। पायलट तुरंत अपने सामने लगे बटनों में से एक को ऑन और ऑफ करने लगा। हेलीकॉप्टर के नीचे लगी हरी बत्ती जैसे ही 3 बार जली और बुझी, पहाड़ के दहाने पर लगी पहाड़ जैसे रंग से पुती एक फौलादी चादर धीरे धीरे एक और सरकती चली गई। दूसरे ही क्षण पहाड़ के मुख से लाल रंग का तीव्र प्रकाश फूटा और हेलीकॉप्टर उस प्रकाश में डूब सा गया। पायलट ने कहा, सर, द्वार खुल चुका है, लेकिन यह लाल रोशनी? जनरल चांगली ने कहा, यह प्रकाश भीतर प्रवेश करने का सिग्नल है, जल्दी हेलीकॉप्टर को भीतर ले चलो। हेलीकॉप्टर ने गोता खाया और पहाड़ के खुले हुए मुख में समाता चला गया और फिर पहाड़ के मुख पर पड़ा शटर बंद होता चला गया। जनरल चांगली ने कहा, वाह, इस अजूबे स्टेशन के निर्माण के लिए वास्तव में कामरेड तुंग बधाई का पात्र है। एक स्थान पर बने हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर के उतरते ही कामरेड तुंग स्वयं जनरल चांगली के स्वागत को वहां आ पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। जनरल चांगली हेलीकॉप्टर से उतरकर कामरेड तुंग के पास पहुंचा। कामरेड तुंग ने कहा, आपका यहां स्वागत है जनरल। जनरल चांगली बोला, और तुम्हें इस आश्चर्यजनक स्टेशन के लिए मेरी ओर से बधाई। फिर दोनों एक ओर को बढ़ चले। कामरेड तुंग बोला, मुझे आपके आने पर आश्चर्य है जनरल, क्या मैं आपके आगमन का कारण जान सकता हूँ? जनरल चांगली बोले, मैं दक्षिणी सीमा पर पहाड़ों में स्थापित किए गए भारत के उन नए फौजी अड्डों के सिलसिले में बात करने के लिए आया हूँ, जिनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ माह पूर्व ही सरकार की ओर से निर्देश दिया गया था। कामरेड तुंग चलते चलते ही चौंका, फिर आश्चर्य भरे स्वर में बोला, ओह, लेकिन इस संबंध में तो मैं अपनी असफलता की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज चुका हूँ जनरल। मुझे खेद है कि काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी मैं भारत की दक्षिणी सीमा पर बनाए गए भारत के उन नए फौजी अड्डों के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सका, मेरे एजेंट नाकाम रहे। जनरल चांगली ने कहा, मैं जानता हूँ कामरेड, इसलिए तो मैं आपसे विशेष रूप से मिलने आया हूँ। कामरेड तुंग बोला, क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। जनरल चांगली ने कहा, बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या भारत के उन नए फौजी अड्डों की महत्ता के बारे में आप जानते हैं? कामरेड तुंग ने कहा, हाँ, भारत की सीमा में पहाड़ों में बनाए गए वे नए फौजी अड्डे वैज्ञानिक उपकरणों और आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से पूर्णता लैस हैं और युद्ध के समय भारत के यही नए फौजी अड्डे हमारे सैनिकों के मार्ग में न केवल भयानक रुकावट बन जाएंगे बल्कि हमें काफ़ी नुकसान भी पहुंचाएंगे। जनरल चांगली ने कहा, बिल्कुल ठीक कामरेड तुंग, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द भारत के उन नए फौजी अड्डों के विषय में सारी जानकारी हासिल की जाए ताकि उसकी सीमा में हमारे सैनिकों को घुसते समय किसी किस्म का खतरा पेश ना आए। कामरेड तुंग ने कहा, वह तो ठीक है जनरल, लेकिन सवाल यह है कि उन अड्डों की जानकारी प्राप्त की जाए तो कैसे? मेरी तमाम कोशिशें तो बेकार ही गई। जनरल चांगली बोला,
लेकिन मैंने यह जानकारी प्राप्त करने का एक नया उपाय सोच लिया है। कामरेड तुंग ने कहा, क्या उपाय सोचा है आपने? तब जनरल चांगली ने एक फ़ोटो जेब से निकालकर चीफ तुंग की ओर बढ़ाते हुए कहा, पहले यह तस्वीर देखो और इसे पहचानो। तुंग ने फोटो लेकर जैसे ही उस पर दृष्टि डाली, बुरी तरह चौंक उठा और बोला, व्हाट, कर्नल राघव, भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का विशिष्ट ऑफिसर? चांगली मुस्कुराता हुआ बोला, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना कामरेड, यह कर्नल राघव ही हैं। मुझे विश्वास है कि तुम इसके बेटे राम और राम के दोस्त रहीम से भी अच्छी तरह परिचित होंगे, जो बाल सीक्रेट सर्विस के खतरनाक एजेंट 00 हाफ हैं। कामरेड तुंग ने कहा, ओफ, किन शैतानों का नाम ले लिया आपने जनरल, उनका तो मात्र नाम सुनते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है। कमबख्त मेरे कई विश्वस्त एजेंटों को ठिकाने लगा चुके हैं, एक बार ये दोनों मेरे हाथ लग जाएं तो। और तुंग के वाक्य पूरा करने से पहले ही चांगली बोल उठा, यदि मेरी योजना सफल हो गई कामरेड, तो बस समझ लो ये छोकरे आपके हाथ लग ही गए। तुंग ने कहा, ओ, आप अपनी योजना बताइए, मैं हर कीमत पर उसे सफल करने की कोशिश करूँगा। चांगली ने कहा, तो सुनिए, आपको हिंदुस्तान से कर्नल राघव का अपहरण कर यहाँ लाना होगा, क्योंकि यही वह व्यक्ति है जिसकी विशेष देखरेख में हमारी दक्षिणी सीमा पर वे गुप्त फौजी अड्डे तैयार किए गए हैं। यदि कर्नल राघव हमारे कब्जे में आ गए तो समझ लीजिए हमारी सारी मुश्किल आसान हो जाएगी, आजकल वे घर पर छुट्टियाँ बिता रहे हैं। चांगली की योजना सुन तुंग प्रसन्नता से उछल पड़ा और बोला, गुड, अब मैं सब कुछ समझ गया, आप निश्चिंत रहें, एक सप्ताह के भीतर भीतर कर्नल राघव आपके सामने होगा। चांगली ने कहा, गुड, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, अब मुझे आज्ञा दीजिए, जब वह आपके कब्जे में पहुंच जाए तो मुझे सूचित कर दीजिएगा। तुंग ने कहा, अवश्य जनरल, और शीघ्र ही। फिर चांगली तुंग से विदा लेकर अपने हेलीकॉप्टर पर सवार होकर अड्डे से बाहर निकल गया। चांगली को विदा करने के बाद कामरेड तुंग ने अपनी मेज के नीचे लगा एक गुप्त बटन दबाया। अगले ही पल दरवाजे के बाहर खड़ा सैनिक उसके सामने आ खड़ा हुआ। वह बोला, कामरेड बांगली को भेजो। और कुछ ही देर बाद उसके सामने चीनी सीक्रेट सर्विस का एक क्रूर और जालिम एजेंट बांगली खड़ा हुआ था। तुंग ने कहा, इस फोटो को देखो कामरेड, और अच्छी तरह से इसका चेहरा अपने दिमाग में बिठा लो। बांगली ने कहा, यस चीफ। तुंग ने कहा, इसका नाम कर्नल राघव है, इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक विशिष्ट अफसर, तुम्हें हिंदुस्तान से इसका अपहरण कर इसे यहाँ पहुँचाना है। बांगली ने कहा, समझ गया चीफ, कुछ ही दिनों में यह आपके सामने होगा। तुंग बोला, लेकिन दो बातों का विशेष ध्यान रखना, एक तो इसका अपहरण खुद न करके वहाँ के स्थानीय बदमाशों से कराना, दूसरे इसके बेटे राम और रहीम से सावधान रहना। बांगली ने कहा, क्या राम और रहीम इसी के बेटे हैं? तुंग ने कहा, हाँ, एक बेटा और दूसरा बेटे का जिगरी दोस्त, वह भी इन्हीं के साथ रहता है, मैं नहीं चाहता कि जरा सी भी लापरवाही होने पर तुम इनके चक्कर में फंसकर पुलिस की निगाहों में आ जाओ। बांगली ने कहा, ठीक है चीफ, मैं सब समझ गया, आप निश्चिंत रहे। तुंग बोला, गुड, तो जाओ और सफ़र की तैयारी करो। उधर भारत की सरजमी पर राम और रहीम ने कर्नल राघव को गुड मॉर्निंग कहा। कर्नल राघव बोले, अरे, यह सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? राम ने कहा, डैडी, हम अपने एक दोस्त की बहन की शादी में जा रहे हैं। रहीम बोला, और अंकल, रात को लौटने की भी उम्मीद नहीं है? कर्नल राघव बोले, क्या, फिर मैं तुम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। राम रहीम ने कहा, ओ मेरे प्यारे डैडी, जाने दीजिए ना, वायदा करते हैं कल सुबह तक जरूर आ जाएंगे। और यह कहकर वह दोनों कर्नल राघव से लिपट गए। कर्नल राघव ने कहा, अरे, यह क्या कर रहे हो? राम रहीम बोले, पहले इजाज़त दीजिए, वरना हम आपसे इसी प्रकार चिपटे रहेंगे। कर्नल राघव ने कहा, उफ, अच्छा बाबा जाओ, लेकिन मुझे छोड़ो तो सही। और राम रहीम प्रसन्नता से चीख उठे। कर्नल राघव बोले, बस बस, रहने दो, तुम दोनों बहुत शैतान हो गए हो, कहीं शादी में जाने के बहाने के पीछे कोई झूठ तो नहीं? राम रहीम ने कहा, बिल्कुल नहीं डैडी, विश्वास करें। कर्नल राघव बोले, तब ठीक है, जाओ। और इजाज़त मिलते ही राम रहीम एक तरफ खड़ी अपनी मोटरसाइकिल की ओर दौड़ पड़े। कर्नल राघव ने कहा, लेकिन कल सुबह तक जरूर लौट आना। दोनों बोले, प्रॉमिस। पीछे खड़ी राधा देवी ने कहा, अरे, ठहरो, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? कर्नल राघव ने कहा, जाने दो राधा, पीछे से टोकना अशुभ होता है।
परंतु मोटरसाइकिल से न तो राम ने और ना ही रहीम ने पलटकर पीछे देखा। अगले ही पल मोटरसाइकिल कोठी से बाहर निकलकर उनकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। राधा देवी बोली, यह सवेरे सवेरे कहाँ गए हैं दोनों? कर्नल राघव ने कहा, अपने एक दोस्त की बहन की शादी में, कल सुबह तक लौटेंगे। राधा देवी ने कहा, और आपने रात भर उन्हें बाहर रहने की इजाज़त दे दी? कर्नल राघव बोले, और क्या करता, आखिर वे अब दूध पीछे बच्चे तो नहीं रहे। कर्नल राघव की बात सुनकर राधा देवी झुंझलाती हुई भीतर की ओर चल दी और बोली, ये दोनों आपके लाड़ प्यार में बिगड़ते चले जा रहे हैं, मुझे क्या, एक दिन आप ही पछताएंगे। कर्नल राघव ने कहा, मुझे अपने दोनों बेटों पर विश्वास है, एक दिन तुम भी करने लगोगी। लेकिन राम रहीम, कर्नल राघव व राधा देवी में से कोई भी यह नहीं जानता था कि कल रात से ही विभिन्न व्यक्ति उनके घर और घर में होने वाली एक एक गतिविधि पर बारी बारी से नज़र रखे हुए थे और एक व्यक्ति इस समय भी उनकी कोठी पर निगरानी रखे हुए था और सोच रहा था, वे दोनों चले गए, अपने साथियों को खबर करूं। कुछ देर बाद वह बदमाश तरीका व्यक्ति निकट के ही एक पब्लिक बूथ में किसी के नंबर डायल कर रहा था। डायल करने के पश्चात संपर्क होते ही उसने एक सिक्का बॉक्स में डाला, फिर शीघ्रता से माउथ पीस में बोला, हेलो, कौन? जग्गू, मैं बिरजू बोल रहा हूँ। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।